पति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम जी। दशरथ के राज्य का वर्णन करने के बाद दशरथ की निराशा का वर्णन किया है। निराश है, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने वाला कोई पुत्र नहीं। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है, चार पुत्र पैदा हुए हैं, तीन रानियों के माध्यम से नामकरण संस्कार हो गया है। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा है, जो सब में रमता है वह राम, जिसमें सब रमते हैं वह राम। दशरथ के पुत्र राम का नाम राम रखने से पहले महर्षि वशिष्ठ राम नाम की महिमा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तब दशरथ नंदन राम का नाम राम रखा गया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुत्र यज्ञोपवीत भी पहना दिए गए हैं, बड़े हो रहे हैं चारों पुत्र। आगे का वर्णन आप कल पढ़ेंगे। राम कथा अघरणी गंगा, राम कथा तीरथ त्रिवेणी, इस बात की चर्चा चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। राम कथा को दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण का क्या काम होता है? एक बिंब होता है और दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। राम कथा ऐसी ही है। आप अपने आप को राम कथा रूपी दर्पण में देख के आप क्या हो आपको बोध होता है, आप कहाँ हो आपको बोध होता है, आपके अभावों का, आपकी त्रुटियों का, आपके दुर्गुणों का, आपकी कमजोरियों का आपको बोध होता है। दर्पण का यही काम है। वह अच्छा भी कुछ दिखाता है, लेकिन सभी के सभी डिफेक्ट्स भी आपको दिखाता है। आपके चेहरे पर मेकअप करते हुए कहीं पाउडर ज़्यादा लग गया है या कोई चीज़ ज़्यादा लग गई है तो दर्पण दिखाता है। बिंदी टेढ़ी लगी है तो दर्पण दिखाता है। मांग में सिंदूर भरा है तो वह ठीक नहीं है तो वह दर्पण बता देता है। तो दर्पण का देवी क्या काम हुआ? यही ना, जो हमारे अंदर त्रुटियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो दुर्गुण दोष इत्यादि हैं, वह दर्पण हमें दिखा देता है। संत महात्मा रामकथा को दर्पण कहते हैं। अब साधक जनों, जब ये पता लग गया कि हमारे अंदर तरह तरह के दुर्गुण हैं, तरह तरह की कमजोरियां हैं, तो इतनी जानकारी से तो काम नहीं बनेगा।
जानकारी जरूरी थी सो रामकथा ने आपको जानकारी दे दी। रामकथा यहीं समाप्त नहीं हो जाती, रामकथा का काम यहीं समाप्त नहीं हो जाता। रामकथा का काम सिर्फ आपके दुर्गुण दोष, आपके डिफेक्ट्स, आपकी कमजोरियां इत्यादि दिखाना ही नहीं है, अपितु रामकथा का काम तो अब शुरू होता है। रामकथा बताती है, दर्शाती है, मेरे अंदर जितने भी पात्र हैं वे सब के सब अनुकरणीय हैं, वे सब के सब आपके अनेक डिफेक्ट्स, अनेक दुर्गुणों दोषों को दूर करने में सक्षम है, एक एक पात्र। काशी में साधक जनों किसी की मृत्यु होती है, मान्यता है, इस प्रकार की वर्णन आता है, काशी में किसी की मृत्यु होती है तो भगवान शिव उनके कान में राम बोलते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे? भगवान शिव, भगवान विश्वनाथ जिनका वह काशी स्थान है, वह मरने वाले के कान में जाके तो राम बोलते हैं तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है मरने के बाद। राम कथा तो देवियों सच में जीवन काल में आपको मुक्ति देती है, ये राम कथा की महिमा है। कैसे? भगवान राम का चरित्र, भरत जी का चरित्र दिखाते हैं ना, मरने के बाद तो सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं, इसमें क्या बड़प्पन है, मृत्यु सब कुछ छुड़वा देती है, बड़प्पन तो इसमें है यदि व्यक्ति जीवन काल में उसे अपने आप छोड़े, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। तो रामकथा आपको जीवन काल में जीवन मुक्त बनाती है, मरने के बाद नहीं। राम जी अपने जीवन से दर्शाते हैं मैंने अपने जीवन काल में सब कुछ छोड़ा है, भरत जी अपने जीवन से सिखाते हैं, अपने चरित्र से सिखाते हैं मैंने इन सब के बीच रहते हुए भी किसी को अपना नहीं माना, अपना कुछ नहीं माना, सब कुछ राम का माना है, यह जीवन मुक्ति है। तो दोनों जीवन मुक्त। तो राम कथा मात्र हमें हमारे डिफेक्ट्स ही नहीं दिखाती, हमारे दुर्गुण दोष नहीं दिखाती, बल्कि ऐसे पात्र प्रस्तुत करती है, उन्हें देखिएगा और अपने डिफेक्ट्स को दूर कीजिएगा, अपने जितनी भी कमजोरियां हैं, जितने भी दुर्गुण दोष इत्यादि हैं उन्हें दूर कीजिएगा, ये राम कथा सिखाती है, ये दर्पण का काम है। हनुमान जी का चरित्र देखो देवियों सज्जनों, कितना सुंदर चरित्र है। हर साधक को हनुमान जी महाराज को अपना आदर्श मानना चाहिए। हर साधक के आदर्श कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के पिताश्री देखिए, पवन के पुत्र हनुमान जी, वायु के पुत्र हनुमान जी, ऐसी चीज पवन, ऐसी चीज वायु जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना देवी? प्राण देते हैं, प्राण शक्ति कहां से मिलती है? वायु से, पवन से। ऐसे पवन, ऐसे वायु जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, आज तक कभी किसी ने वायु को देखा नहीं है, पवन को देखा नहीं है। तो पवन के पुत्र हनुमान जी भी ऐसा ही जीवन उन्होंने भी बिताया है। मैं सब कुछ करूं, प्रभु राम मेरे से सब कुछ करवाएं, लेकिन सिर्फ प्रभु राम को मुझे नहीं, मेरे अंदर किसी प्रकार का कर्तृत्व, मेरे अंदर किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सिखाता है? हनुमान जी महाराज का जीवन सिखाता है। अपने आप को शाखामृग कहते हैं। भगवान शिव के अवतार, रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज अपने आप को शाखामृग कहते हैं। मैं तो एक साधारण बंदर हूं, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर छलांग लगाने वाला। मैं क्या जानूं लंका कैसे जलाई जाती है, मैं क्या जानूं अशोक वाटिका किस प्रकार से उजाड़ी जाती है, ये मेरा काम नहीं है, ये तो मेरे प्रभु की महिमा है। भीष्म जी मैं क्या बताऊं आपको, अपना वर्णन, अपना परिचय ये नहीं दिया कि मैं भगवान शिव का अवतार हूं या रुद्र अवतार हूं, नहीं,
मैं तो एक साधारण बंदर हूं, जो मेरा नाम सुबह सुबह लेता है उसको भोजन नहीं मिलता। भीष्म जी मत सोचिएगा हनुमान जी महाराज कोई बड़ी छोटी बड़ी साधारण सी बात कर रहे हैं, नहीं, जो मेरा नाम लेता है, मान्यता है साधक जनों, जो बंदर का नाम लेता है सुबह उसे भोजन नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। इधर पता नहीं पर पंजाब में लोग ऐसा मानते हैं और भी स्थानों पर, इवन इन जे एंड के भी ऐसी मान्यता है कि जो बंदर का नाम सुबह लेते हैं उन्हें भोजन नहीं मिलता। हनुमान जी महाराज उसी बात का वर्णन कर रहे हैं, भविष्य जी जो सुबह सुबह मेरा नाम लेता है उसे आहार नहीं मिलता, उसे भोजन नहीं मिलता। ये कहके हनुमान जी महाराज हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, कहते हैं एक साधारण व्यक्ति का नाम लेने योग्य नहीं हुआ करता। नाम लेना हो तो मेरा नहीं, मेरे स्वामी का नाम लो जो परब्रह्म परमात्मा है, राम का नाम लो। ये ऐसे ही हंसी मजाक में नहीं कह रहे हैं कि मेरा नाम जो कोई लेता है उसे भोजन नहीं मिलता। मानो आप ये समझा रहे हैं हमें, हमें ये निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मेरा नाम जपने की जरूरत नहीं, साधारण व्यक्तियों का नाम जपने की जरूरत नहीं, परमात्मा का नाम जपो, मेरे स्वामी का राम नाम जपो, इसमें कल्याण है, इसमें सबकी शोभा है। तो हनुमान जी का चरित्र हमें क्या सिखाता है। इस प्रकार दिव्य सचों सारी राम कथा ऐसे ही चित्रों से भरी पड़ी है। सत्संग में आते हो, कथा में जाते हो, पहले दिन भी आपसे अर्ज की थी, न कथा ही सुनने की चीज है और न सत्संग ही सुनने की चीज है, सत्संग करने की चीज है, किया कीजिएगा। जाप करवाने की चीज नहीं, करने की चीज है। अमृतवाणी का पाठ घर में करवाने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। विदेश में साधक जन लोगों के पास समय का अभाव है, ऐसा वे लोग समझते हैं, होगा वे समझते हैं, हमारी समझ से बाहर है। वे ऐसा समझते हैं कि उनके पास समय की कमी है तो वे क्या करते हैं, उनके पास नाश्ता करने का समय नहीं, भोजन का समय नहीं, काम 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 ही है, ठीक है जैसा उनका जीवन। अतएव हमारे साधक क्या करते हैं, रहा भी तो नहीं जाता ना, राम नाम जपने वाले बिना राम नाम के कैसे रह सकेंगे, नहीं रहा जाता उनसे, तो क्या करते हैं, हर एक के पास, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर एक के पास अपनी अपनी गाड़ी जाते हैं। तो अक्सर कहते हैं हम गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं तो अमृतवाणी का सीडी लगा लेते हैं, सुनते जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, कब होगा परमात्मा जाने। लेकिन यदि वास्तविक लाभ अमृतवाणी से लेना है तो अमृतवाणी का पाठ करने से मिलेगा, अमृतवाणी सुनने से नहीं, अमृतवाणी का पाठ कीजिएगा, अमृतवाणी का पाठ करवाने से नहीं, अमृतवाणी का पाठ करने से लाभ मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से देवियों सज्जनों सत्संग में आप आते हो, कहीं कथा श्रवण के लिए जाते हो तो घर कुछ ना कुछ साथ जरूर लेके जाना, खाली हाथ नहीं जाना, कथा के पास बहुत कुछ है। कथा को कामधेनु कहा जाता है, जैसे राम नाम को कामधेनु, फिर राम नाम तो सब सारों का सार है, जैसे राम नाम को कामधेनु कहा जाता है, कल्पतरु कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार से राम कथा को भी ऐसा ही वर्णन किया जाता है। अतएव खाली नहीं जाना, घर कुछ ना कुछ लेके जाना। आज साधु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की है, माधव महाभारत के युद्ध के समय जो मुझे गीता जी का ज्ञान दिया था आज मुझे फिर सुनाओ। युद्ध के उपरांत की बात,
मुझे याद है आपने जो कुछ कहा था, लेकिन एक बार और सुन लूंगा तो मुझे पक्का हो जाएगा। भगवान श्री कहते हैं पार्थ, योग की जिस स्थिति पे मैं उस वक्त था आज नहीं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान फिर नहीं सुना सकता। बड़ी मार्मिक बात गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मात्र श्रोता ही नहीं वक्ता भी किस मंच पर बैठ के तो आपको कथा सुना रहा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानो दोनों का सही मंच पर होना बहुत अनिवार्य है तो लाभ होगा, नहीं तो घर खाली हाथ ही जाओगे। जो वक्ता आज वक्ता की बात करते हैं, जो वक्ता अभिमान के मंच पर बैठ के बोलता है, वह कथा में एक घंटे की कथा में अनेक बार घुमा फिरा के तो अपनी चर्चा लाएगा। अभिमान का स्वभाव है ना प्रदर्शन, वह अपनी चर्चा लाएगा, अपने गुरुजनों को पीछे डालेगा, परमात्मा को जिनकी कथा है उनको पीछे डालेगा। परमात्मा की कथा किस लिए? ताकि वह अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। तो ऐसे वक्ता को अभिमान के मंच पर बोलने वाला कहा जाता है। यदि कोई बुद्धि प्रधान है वक्ता, ये तो अभिमान प्रधान, कोई बुद्धि प्रधान है तो वह जो कथा चल रही है उसकी व्याख्या अनेक ढंगों से करेगा, ताकि लोगों को ये पता लगे कि बोलने वाला कितना ज्ञानी है। वह अपने ज्ञान का अभिमान पोषण कर रहा है, वह अपने ज्ञान को दर्शा रहा है, तथ्यों को, सत्यों को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के वह बताएगा। ये व्याख्या है, इसकी ये भी हो सकती है, इसकी ये भी हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। यदि साधक चुनों तीसरा वक्ता मन प्रधान है, मन के मंच पर बैठा हुआ है वह, तो वह क्या देखेगा? मेरी कथा का पब्लिक पर क्या प्रभाव है? मेरे रामायण पढ़ने से, अमृतवाणी का पाठ करने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? फीडबैक, सामने बैठे बैठे ही वह वक्ता देखता है कितने लोग सिर हिला रहे हैं, कितने लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कितने इस कथा की वाह वाह कर रहे हैं, इनमें से कितने हैं जो तालियां बजा रहे हैं। ये मन प्रधान वक्ता, ऐसा वक्ता जो ऐसे मंचों पर बैठता है, जो लोभी है, स्वार्थी है, जिसकी दृष्टि कथा पर कम, पैसे पर, चढ़ावे पर अधिक है, कथा करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करने वाले वक्ता, वह वक्ता कथावाचक प्रायः श्रोताओं को कुछ नहीं दे पाते। ऐसे श्रोता भी जिनका वक्ता ही इस प्रकार का है, ऐसे श्रोता भी खाली हाथ ही घर भैया लौटते हैं। तो जितना श्रोता महत्वपूर्ण है उतना वक्ता भी महत्वपूर्ण है। दोनों एक जैसे हों, दोनों ठीक मंच पर बैठे हुए हों, तो वक्ता कुछ देने योग्य है और श्रोता कुछ पाने योग्य है। तो देवी सज्जनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।